एक शादीशुदा महिला जिसके 5 साल का बेटा भी था, वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से दोबारा प्यार कर बैठी और सिर्फ प्यार ही नहीं, उससे शादी भी रचा ली। महिला अपने पहले पति को, जो रेलवे में नौकरी करता है, उसको झांसी देती रही और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार कर शादी रचा ली और उसे अपना दूसरा पति बना लिया। लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि आज के वक्त में महिला के पास न तो उसका बॉयफ्रेंड है और ना ही पति। महिला अपने 5 साल के बेटे के साथ अकेली रह रही है और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, वो अपना और अपने बेटे का खर्चा भी नहीं उठा पा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर महिला जिसकी शादीशुदा थी, वो अपने पहले पति को क्यों छोड़कर, जो कमाता था, अपने बॉयफ्रेंड के पास क्यों गई। और दूसरा सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि जो आज के समय में ना तो बॉयफ्रेंड उसको रखने को तैयार है और ना ही पति। पति कह रहा है कि अपने बॉयफ्रेंड के पास रहे और बॉयफ्रेंड कह रहा है कि अपने पति के पास रहे। इस पूरी कहानी को आज विस्तार रूप से हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरी कहानी बिहार के भागलपुर की है। यहाँ पर प्रीति नाम की लड़की की शादी साल 2018 में मिथिलेश से हुई थी। मिथिलेश रेलवे में नौकरी करता है, अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा रहा था। आगे चल के उनका एक बेटा भी होता है जो आज के समय में 5 साल का है। मिथिलेश प्रीति और अपने बेटे का खर्चा अच्छे से उठा रहा था, पूरी तरह से देखभाल कर रहा था। लेकिन फिर प्रीति की लाइफ में संतोष की एंट्री होती है। दरअसल संतोष की एंट्री प्रीति की लाइफ में दूसरी बार हुई है। पहली बार 2014 में हुई थी, वहां पर प्रीति और संतोष का अफेयर चल रहा था। लेकिन जब साल 2018 में प्रीति की शादी मिथिलेश से तय हुई तो संतोष और प्रीति का अफेयर जो उनका था वो खत्म हो गया। और संतोष प्रीति से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो प्रीति की शादी में भी आया था। जब मिथिलेश की शादी प्रीति से हो गई तो प्रीति और मिथिलेश एक साथ रहने लगी। लेकिन उसके बाद शादी के कुछ सालों बाद संतोष की एंट्री प्रीति की लाइफ में दोबारा हुई। संतोष प्रीति को ब्लैकमेल करने लगा। वो कहने लगा कि जो तस्वीरें हमारी प्राइवेट, मैं उनको वायरल कर दूंगा। इससे प्रीति थोड़ा डर गई। पहले तो वो थोड़ा इग्नोर करने लगी, लेकिन बाद में वो उसकी झांसी मांग गई और दोबारा संतोष से प्यार कर बैठी। कुछ महीने पहले जो है प्रीति वो मिथिलेश के घर से संतोष के पास चलेगी अपने 5 साल के बेटे को लेकर। संतोष किराए के मकान में रहता था, वहां जाकर प्रीति उसके साथ रहने लगी। इधर जो है मिथिलेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी कि मेरी बीवी और बच्चे का अपहरण हो गया है। पुलिस ने मुकदमे के तहत तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने जब खोजबीन करी तो पता चला कि जो प्रीति है वो संतोष के यहाँ किराए के मकान में रह रही है। इसके बाद कोर्ट में मामला पहुंचा तो कोर्ट में प्रीति ने कहा कि मेरा अपहरण नहीं किया संतोष ने, मैं संतोष से प्यार करती हूँ और वो बेकसूर है। क्योंकि एक गांव देहात का मामला था तो प्रीति घर वाले उसे अपने पास ले गए और फिर बाद में प्रीति को ससुराल में छोड़ दिया। तो अब मिथिलेश और प्रीति एक साथ रह रहे थे और इस पूरे कार्यक्रम में जो प्रीति के 5 साल का बेटा था वो प्रीति के साथ ही रहता था। चाहे प्रीति संतोष के यहाँ रहे या मिथिलेश के रहें, प्रीति का बेटा उसके साथ ही रह रहा था। अब मिथिलेश और प्रीति एक साथ रह रहे थे, लेकिन प्रीति और संतोष जो प्यार थे वे अब भी एक दूसरे से करते थे और उनमें ख्वाहिश थी कि हम अब भी एक हो जाएंगे। इससे कुछ महीने बाद ही जो प्रीति है वो मिथिलेश को छोड़कर अपने 5 साल के बेटे को लेकर संतोष के यहाँ चले गए दोबारा रहने के लिए। और अब जो है उसने प्रीति ने संतोष से शादी भी कर ली। जब इस बात की खबर मिथिलेश को लगी तो मिथिलेश ने प्रीति को छोड़ दिया कि अब तो अपने बॉयफ्रेंड के पास ही रहे। कुछ महीने तक सब कुछ अच्छा चला। संतोष प्रीति का अपना और उसके 5 साल के बेटे का खर्चा उठा रहा था, उसके बेटे की स्कूल की फीस भी भर रहा था। लेकिन सितंबर के महीने में संतोष के घर वाले आए और उसे अपने साथ गांव ले गए। इधर जो अब सितंबर महीने से प्रीति और उसका 5 साल का बेटा संतोष के किराए के मकान में अकेले रह रहे थे। प्रीति जो है वो अपने बेटे का खर्चा भी उठा रही थी, लेकिन जो है कुछ समय बाद वे पैसे खत्म हो गए और अब वो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे अपने बच्चे का और अपना खर्चा उठाए। अब दिसंबर के महीने में संतोष जो है वो वापस गांव से आया और जो उसका किराए का मकान था वहां से प्रीति को बाहर निकाल दिया। कह रहा कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ और अपने पति के पास रहो। लेकिन मिथिलेश तो उसे तैयार रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने तो पहले कह दिया था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास रहो। अब जो प्रीति है वो फंस गई थी, ना तो अपने बॉयफ्रेंड के पास रह रही थी और ना ही पति के पास। एक तरह से कहे तो ना तो अपने पहले पति के पास रह रही थी और ना ही दूसरे के पति के पास, क्योंकि उसने संतोष से भी शादी रचा ली थी। अब जो है वे सामाजिक संगठन वाले थे, उन्होंने इन दोनों को पुलिस के हवाला कर दिया और पुलिस जो है मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रीति जो है वो जिद कर रही है कि मैं संतोष के पास रहूँगी और संतोष उसे रखने को मना कर रहा है। इसके बाद जो है वो समाज सुधारक वाले, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये महिला आई थी, इसके बाद हमने पुलिस में कंप्लेंट की थी,
अब ये मामला पुलिस में और पुलिस इस मामले की आगे कार्रवाई कर रही है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगी हम आपको आगे बताएंगे। इस पूरे केस में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।